हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नेम इज़ द रेड रूम। इट्स अ हॉरर स्टोरी अबाउट अ ब्रेव पर्सन। विदाउट वेस्टिंग एक्स्ट्रा टाइम लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, there is given introduction. Do you believe in ghost and other supernatural power? Many people do. क्या आप भूतों में अमानवीय शक्तियों में विश्वास रखते हैं? बहुत से लोग believe करते हैं। Here's the story of a brave young man who decide to prove that ghosts don't exist. यहाँ एक बहादुर person की story है, कहानी है, जो prove करता है कि भूत कुछ नहीं होते। Read on the find out What happened to him? हम पढ़ेंगे कि उसके साथ क्या हुआ। On that frightful night which he spent alone inside a great haunted room in an old castle. उस पुराने भूत वाले कैस्टल में, किले में, उस रात, frightful रात को अकेले में बहादुर पर्सन गया था, उसके साथ क्या हुआ, यही हमको इस पूरी कहानी में पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सो प्यारे बच्चों, लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। फर्स्ट पैराग्राफ। आई कैन अश्योर यू सेड आई दैट आई विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी फ्राइटेंड। मैंने कहा कि मैं तुम्हें ये अश्योर कर दूँ, मैं आश्वासन दे दूँ कि मुझे कोई भी शक्ति, कोई भी कठिनाई डरा नहीं सकती। आई डू नॉट बिलीव इन घोस्ट, मैं भूतों में विश्वास नहीं रखता। इनडीड इफ घोस्ट डू एग्जिस्ट दे विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू स्कैर मी। माना कि अगर भूत होते भी हैं तो भूतों को मुझे डराने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई स्टूड अप बिफोर द फायर विथ माई ग्लास इन माई हैंड। वो ब्रेव पर्सन बता रहा है, मैं अपने ग्लास लेकर फायर के सामने खड़ा हो गया। नेक्स्ट पैरा फ्रॉम हियर। इट इज़ योर ओन चॉइस सेड द मैन विद द रिंकल आर्म एंड ग्लास्ड एट मी हेजिटेटली। वहाँ एक आदमी था जो कि डरा हुआ था। उस पर्सन ने कहा, इट्स योर ओन चॉइस, या तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या करना चाहते हो करो। सेट द मैन विथ अ रिंकल आर्म। रिंकल आर्म, रिंकल का मतलब सिकुड़न। डरे सहमे से व्यक्ति ने हेजिटेटली, हिचकिचाहट भरे स्वर में कहा, भाई तुम्हारी चॉइस है। आगे बढ़ते हैं। रमैया, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव नेवर एवर सीन अ घोस्ट इन माई लाइफ। मैं 28 साल का हो चुका हूँ और जीवन में कभी भी भूतों को नहीं देखा। आई सिंपली डोंट बिलीव इन देम आई सेड। मैंने कहा कि मैं भूतों में बिलीव नहीं करता। द ओल्ड वोमेन सैट स्टेयरिंग हार्ड इन टू द फायर हर पेल आईज वाइड ओपन। बूढ़ी महिला जो फायर के सामने बैठी थी, स्टेयरिंग फायर को घूर रही थी, आग को देख रही थी, उसकी आँखें पीली हो गई। मेरी बात सुन करके आँखें चौड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा था कि मैं भूतों से नहीं डरता। ये सब बातें सुन करके महिला शॉक्ड हो गई थी। आगे देखती महिला क्या बोलती। आई सी ब्रोक इन विद अ मोनोटोनस टोन, निरसता भरी। स्टूडेंट, जहाँ पर भी मार्किंग लगा आपको दिखाई दे पेंसिल से, इस स्पेलिंग को, इस मीनिंग को आपको कॉपी में नोट करना है, क्योंकि हार्ड वर्ड हैं, उनको लर्न करना है, ठीक है। तो महिला वुमेन्स मोनोटोनस वॉइस में, मोनोटोनस मीन्स निरसता भरे स्वर में बोली, बट इन ऑल दोज 28 ईयर यू हैव नेवर सीन अ हाउस लाइक दिस। लेकिन तुम इन 28 ईयर के दौरान ऐसा घर भी नहीं देखे होगे, मीन्स भूत वाला घर भी तुम नहीं देखे होगे। इट इज़ फुल ऑफ ट्रेजेडी एंड सारो। जिस घर की बात हम सब कर रहे हैं वो बहुत ही भयभीत और डरावना है। ट्रेजेडी एंड सारो मतलब भयानक। I half suspected that the old people were speaking so gloomily.
मुझे कुछ संदेह हुआ, क्योंकि ये बूढ़े लोग बड़ी ग्लूमली का मतलब दुख भरी आवाज़ में बोल रहे थे। टू एनहैंस द, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। द क्वियर नेचर ऑफ द हाउस दैट दे हैड बीन लुकिंग फॉर, क्योंकि वो सब जिस घर की देखभाल कर रहे थे उस घर की क्वियर मीन्स बहुत ही विचित्र नेचर के बारे में बात कर रहे थे। वेल आई सेड, मैंने कहा ठीक है, लेट्स सी इफ आई मेट द घोस्ट, चलो देखते हैं अगर मैं भी भूत से मिल सकूँ तो मैं भी देख लूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्रॉम हेयर्स देन आई हर्ड समवंस एंटरिंग द हाउस, फिर हमने किसी के घर में प्रवेश करने की आवाज़ सुना। फ्रॉम हिज स्लो फुट स्टेप इट साउंडेड दैट ही वॉज ओल्डर देन द टू पीपल सिटिंग बिफोर मी, हमने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा पर्सन आ रहा है, इतना बूढ़ा था कि मेरे सामने दो पीपल बैठे थे उनसे भी अधिक बूढ़ा पर्सन था। ट्रू एनफ द ओल्ड रिंकल्स मैन वॉक इन टू द रूम, ओल्ड रिंकल मैन कहने का मतलब बूढ़ा था काफ़ी, इसके रिंकल पड़ चुके थे, मेरी झुर्रियाँ पड़ गई थी, वो घर में प्रवेश कर रहा था। द हेल्प ऑफ अ क्रंच, क्रंच मीन्स बैसाखी, मीनिंग को नोट करते जाएंगे। वॉक इन टू मीन्स प्रवेश करना, प्रवेश किया, पास्ट फॉर्म में है। क्रंच मीन्स बैसाखी, बैसाखी जानते हैं जो लोग जिनके पैर लेग्स डैमेज हो जाते हैं तो बैसाखी के सहारे चलते हैं ना, तो बैसाखी के सहारे घर में प्रवेश किया। अन वन आई ही ओर अ पैच, वन आई, आई दिया है आइज नहीं, आई का मतलब वन आइज, एक आँख पर पैच लगाया, पैच मीन्स चकती, कवर, एक आँख को कवर किया हुआ था। इनफैक्ट ऑल थ्री ओल्ड पीपल्स देमसेल्व्स लुक्ड लाइक घोस्ट, मुझे लगता है कि तीनों ओल्ड पर्सन भूत की तरह ही लग रहे थे। तीनों कौन, दो उसके सामने बैठे हैं और एक घर में प्रवेश कर रहा था रूम में। दैट इज इफ द घोस्ट एग्जिस्टेड, अगर घोस्ट होते, कह रहा अगर भूत होते तो लगता है इन्हीं तीनों की तरह होते। यस द क्लोथस मैनर्स एंड स्पीच ऑल बिलोंग टू द पास्ट, उनके बात मैंने तौर तरीके पहले की तरह दिख रहे थे। इज इन योर चॉइस डियर बॉय सेड द ओल्ड मैन वन मोर टाइम्स, एक मिनट स्टूडेंट, यस अब देखिए क्या हुआ आगे। इट इज़ योर चॉइस डियर बॉय सेड द ओल्ड मैन वन मोर टाइम, एक बार फिर से बूढ़ा आदमी बोला कि ओ बॉयज इट्स योर चॉइस, तुम्हारी मर्जी, मीन्स क्या करना चाहते हो तुम कर सकते हो। आगे देखते हैं, ए इट इज नाउ प्लीज टेल मी वेयर इज दिस इन फेमस हॉन्टेड रेड रूम वेयर आई एम टू स्पेंड द नाइट आई आस्क्ड, अब मैं बोला, मीन्स ब्रेव पर्सन बोला कि चलो ठीक है प्लीज़ मुझे बताओ कि इन फेमस मीन्स कुख्यात हॉन्टेड मीन डरावना रेड रूम, रेड रूम उस घर का नाम था, रेड रूम कहाँ है। आई एम टू स्पेंड द नाइट आई आस्क्ड, मैंने कहा मैं वहाँ पर, मुझे वहाँ पर एक रात बितानी है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हियर विल इफ यू आर इंसिस्टेंट ऑन डूइंग दैट, अगर तुम चाहते हो ऐसा करना, यू मस्ट गो देयर अलोन, तुम्हें वहाँ अकेला जाना चाहिए। कहाँ पर, उस हॉरर रूम में, मीन्स रेड रूम में। वी हैव नेवर हैड द करेज टू गो देयर, हम में कभी भी इतनी साहस नहीं हुई वहाँ जाने की। द इज अ कैडल आउटसाइड, कैडल क्या होता है, कैंडल, कैंडल बाहर, वहाँ कैंडल है, लाइट इट टू सी वे, रास्ता आगे देखने के लिए उसको जलाना है। वॉक अलॉन्ग द पैसेज टिल यू कम अक्रॉस अ स्पाइरल, स्पाइरल स्टेयरकॉस, स्पाइरल मतलब सरपीला, मोड़दार, आगे बढ़ोगे तो वहाँ मोड़दार स्टेयर केस मिलेगा, मीन सीढ़ियाँ मिलेगी। क्लाइम एंड देन यू विल सी अ डोर, वहाँ पर आगे चढ़ोगे सीढ़ियों के सहारे तो डोर दिखाई देगा। विच इज़ कवर्ड विथ अ ग्रीन क्लॉथ, जो डोर ग्रीन क्लॉथ हरे कपड़े से कवर किया हुआ मिलेगा। इंटर द कॉरिडोर थ्रू द डोर,
डोर के द्वारा दरवाजे से आप बढ़ोगे तो कॉरिडोर में प्रवेश करना। द रेड रूम इज द लास्ट वन एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर। इन कॉरिडोर के एंड में रेड रूम मिल जाएगा। फिनिश द ओल्ड मैन। इतनी सारी बातें उस ओल्ड मैन ने बताई। किसको? ब्रेव पर्सन को, उस बहादुर बॉयज को जो कि 28 ईयर ओल्ड है। आई वॉक्ड अलॉन्ग द डॉग एंड शैडोई। अब देखिए यहाँ से ब्रेव पर्सन बोल रहा है, मैं अब उस अंधकार की तरफ आगे बढ़ा, शैडोई मीन्स छायादार कॉरिडोर की तरफ, टू रीच द रेड रूम, और रेड रूम में पहुँचा। यहाँ तक देखिए, आगे बढ़ते हैं अब। डार्क शैडो डांस अक्रॉस, अंधकार छायादार सीन, ऐसा लग रहा था मानो डांस कर रहा है। आई डेयर नॉट लुक बिहाइंड, मेरे में हिम्मत नहीं थी मैं पीछे लखूँ, पीछे देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। द कॉरिडोर स्मेल्ड ह्यूमिड, कॉरिडोर ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब नमी, जैसे भीगा हुआ, कोई चीज़ भीग जाती है तो भीगे हुए चीज़ की स्मेल कैसी होती है, सेम उसी तरीके से स्मेल कर रहा था पूरा कॉरिडोर। बट बिफोर आई रीच द रूम, बट रूम में पहुँचने से पहले, आई थॉट आई सा शैडो ऑफ पीपल्स हैडल टुगेदर, हमने कुछ लोगों को, हैडल का मतलब गैदरिंग कलेक्टेड, कुछ लोगों के इकट्ठे होने का एक छाया देखा, एक छाया देखा, कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, वो बात कर रहे हैं। सेकेंड, सेकेंड मीन्स मैं हिल गया। आई डिमांडेड दैट दे स्लो देमसेल्वेस, मैंने अपने आप को स्लो किया। आई डिमांडेड दैट दे स्लो देमसेल्वेस, नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स, आई वेंट फॉरवर्ड बट आई टर्न आउट टू बी अ स्टेच्यू। तो मैं आगे बढ़ गया, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लोग बातें कर रहे थे भीड़ लगा करके, बट उनका छाया दिख रहा था। आई वेंट फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ गया, बट इट टर्न्स आउट टू बी अ स्टेच्यू, लेकिन मेरे अंदर भी थोड़ा डर था, मैं भी स्टेच्यू बन चुका था लगभग। सी दिस पेज, पैसेज, आगे क्या हुआ? द रेड ग्रेट रेड रूम ऑफ द लॉरेन कैस्टल वॉज सो बिग एंड डार्क एंड दैट लाइट ऑफ द कैंडल कुड नॉट इल्यूमिनेट द होल रूम। अब मैं जब रूम में प्रवेश किया तो देखा रेड रूम लॉरेंस कैस्टल में स्थित था, बहुत ही बड़ा एंड डार्क, अंधकार में था। लाइट वॉज लाइट ऑफ कैंडल कुड नॉट इल्यूमिनेट, कैंडल की लाइट, मोमबत्ती की लाइट भी प्रकाश नहीं दे पा रही थी। द होल रूम, पूरे रूम में मीन्स मोमबत्तियाँ तो जल रही थी कुछ, लेकिन पूरा रूम प्रकाशमान नहीं था। अप्रिहेंसिव आई रिकॉर्ड द मेमोरी ऑफ माई फ्रेंड हु लॉस्ट स्टे हियर एंड वॉज फाउंड डेड द नेक्स्ट मॉर्निंग। डरते हुए मुझे अपने दोस्त की याद आई जो पिछले ईयर मेरा दोस्त था जो यहाँ ठहरा था और अगले सुबह उसकी डेड बॉडी मिली थी। आई ऑल्सो रिमेम्बर द पीपल्स हु डाइड स्टेइंग इन दिस रूम। मुझे उन लोगों की भी याद आ रही थी जो इस रूम में ठहरे हुए थे और मर चुके थे। आई डिसाइडेड टू मेक अ कम्प्लीट सर्वे ऑफ द रूम सो दैट नथिंग वुड सरप्राइज मी। मैंने निश्चय किया कि मैं पूरे रूम का निरीक्षण करूँ ताकि कोई भी सरप्राइजिंग मैटर मुझे ना मिले, मीन्स कोई भी फियरफुल डरावना फैक्ट मुझे ना मिले, मीन्स हर चीज़ का मैं रिवील कर दूँ, हर चीज़ का पर्दाफाश करके ही जाऊँ। देन आई लिट ऑल द कैंडल्स इन द रूम, देन आई लिट, फिर हमने पूरे रूम में सभी कैंडल्स को जला दिया। एंड ड्रू अवे ऑल द कर्टन टू मेक श्योर नोबडी हाइड हिड बिहाइंड देम, और देखभाल कर लिया, कर्टन के पीछे जाकर देख लिया कि कोई कर्टन के पीछे तो नहीं छुपा है। मैं अब अश्योर हो गया था कि नो बडी इज बिहाइंड द कर्टन। एडिशनल लाइट वॉज कॉस्ट बाय द ह्यूज फायर प्लेस फॉर विच आई वॉज थैंक्सफुल। एडिशनल लाइट, अलग लाइट हमने फायर प्लेस से जलाया। फायर प्लेस हर घर में
फायरप्लेस था, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इमेज, उस पेज में है अभी इमेज, देखकर आप जान पाएंगे फायरप्लेस जहाँ पर आग जलती रहती है। तो फायरप्लेस से हमने मोमबत्तियाँ जलाई और पूरे रूम में उसको लगा दिया। ठीक, दिस पैराग्राफ, थैंक्स, देन आई सैट डाउन ऑन अ बिग चेयर, फिर मैं एक बड़ी सी चेयर पर बैठ गया, एंड यूज द टेबल्स एज अ बैरिकेड, और उस जगह पर टेबल को लगा दिया जहाँ पर मेरा चेयर बैरिकेडिंग का काम कर रहा था, मीन्स कोई आए तो मैं जान सकूँ। आई सेड दे आर वेटिंग इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन, तो मैं उस अकेलेपन में बैठ गया और वेट करने लगा। आई एडमिट आई ग्रेजुअली बिकेम इंक्रीजिंगली कॉन्शियस ऑफ द शैडो, धीरे धीरे मैं खुद अपने आप को समझ रहा था, एडमिट कर रहा था कि मैं धीरे धीरे कॉन्शियस में शैडो, जो शैडो देखा था छाया, उसके बारे में कॉन्शियस था, सचेत था कि क्या था। डांसिंग अक्रॉस द रूम, रूम के बाहर जो शैडो डांसिंग कर रहा था, शैडो की छाया उधर दिखाई दे रही थी, मैं उसके बारे में सोचने लगा था। आई फेल्ट एन ऑड सेंसेशन ऑफ द समथिंग, उसी समय मुझे एक और भी सेंसेशन का मतलब भावना है, और भी एक ऑड मीन्स अजीब तरह की फीलिंग आने लगी, मे बी अ प्रेजेंस लर्किंग अराउंड, लर्किंग अराउंड मीन्स हो सकता है कोई छुपा हो, लर्किंग का मतलब हाइडिंग, कोई छुपा भी रह सकता है, ऐसी फीलिंग मेरे अंदर आ रही थी। आई वॉज सून नर्वस, मैं थोड़ा नर्वस था। सडनली एट मिड नाइट टू कैंडल ब्लू, अचानक दो मोमबत्तियाँ बुझ गई। आई डैश टू री लाइट देम, मैं दौड़ा और उनको फिर से जलाया। देन टू मोर एक्सटिंग्विश्ड एट द एंड ऑफ द रूम, उसके बाद दो और बुझ गई। एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझ जाना, दो कैंडल्स, पहले तो दो बुझी, मैं दौड़ के गया उसको जलाया तो आगे देखा रूम के एंड में दो मोमबत्तियाँ और बुझ गई। आई थॉट टू माई सेल्फ आई मस्ट हैव डन दैट माई सेल्फ इन माई हरी टू लाइट अदर, मैंने सोचा उनको जाके दौड़ करके तुरंत फिर से जला दूँ। आई डेयर टू लाइट दोज टू बट डल्टेड, मैं ट्राई कोशिश किया, दौड़ के गया उनको, उन दोनों को भी जला दिया, बट ओनली टू हैव मोर कैंडल्स डाइंग ऑफ एज दे वर क्रश्ड बाई समबडी हैंड, बट कैंडल्स ऐसे बुझ रही थी मानो कि कोई उनको क्रश कर रहा हो, क्रश का मतलब कोई कुचल रहा हो अपने हाथों से, इस तरीके से मोमबत्तियाँ बुझती जा रही थी। क्लियर, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, स्टडी आई कंफर्टेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को संभाला, स्टडी का मतलब होता है हिम्मत दिया। हाउएवर मच टू माई ग्रोइंग अप्रेहेंशन द कैंडल इन माई ओन हैंड ब्लू अप, अप्रेहेंशन यहाँ देखिए अप्रेहेंशन वर्ड आया मतलब डर, मेरे अंदर डर, थोड़ा डर जाग रहा था, डर भरा हुआ था थोड़ा, बट आई वॉज स्टडी, लेकिन डर मेरे ऊपर हावी नहीं था, पर्सन के ऊपर डर हावी नहीं था, बस डर तो था थोड़ा बहुत, बट इतना डर नहीं था कि वह भाग जाए। द कैंडल इन माई ओन हैंड ब्लू अप, जब मेरे हाथ में पड़ी हुई कैंडल बुझ गई तो मुझे थोड़ा डर हुआ। सेकेंड आई थॉट ऑफ द फायर प्लेस, मैंने उस फायर प्लेस के बारे में सोचा जो फायर प्लेस ऑलरेडी पहले से ही रूम में जल रहा था। फेल्ट ग्रेटफुल फॉर दैट कॉन्स्टेंट लाइट, और मैं उस फायर प्लेस के बारे में सोचकर बड़ा ही ग्रेटफुल धन्यवाद भी दिया उस फायर प्लेस को कि चलो एक फायर तो जल रहा है अच्छे से। बट मच टू माई हॉरर दैट वेरी मोमेंट ऑफ फ्लेम ड्विंडल्स एंड वेनिस्ट, यस अब मेरा डर कुछ कम हो रहा था, ड्विडल का मतलब घटना, धीरे धीरे कम होना, गायब होना। मेरा डर मीन्स जब मैं फायर प्लेस के बारे में सोचा कि चलो एक फायर तो जल रहा है, तो मेरा डर धीरे धीरे कम हो रहा था। आगे नॉट एबल टू बियर इट एनी लॉन्गर, लेकिन ज़्यादा समय तक मैं सह नहीं सकता था। आई रन अक्रॉस द रूम टुवार्ड द डोर, मैं तुरंत
रूम से भागा दरवाजे की तरफ इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द रूम, ताकि मैं रूम से बाहर जा सकूँ। आई फाउंड द डोर, मैंने सोचा कि मैंने रूम को पा लिया। आई स्टिप्ड ओवर फर्स्ट माई चेयर, तो मैं सोचा कि रूम से बाहर चला जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पाया, दरवाज़ा नहीं पाया और वहाँ गिर गया। स्टिप ओवर मतलब पहले ही फेल डाउन हो गया। फर्स्ट माई चेयर्स एंड देन बेड, फर्स्ट पहले चेयर से गिरा, उसके बाद बेड पर जा पड़ा। हाफ आउट ऑफ माई माइंड एंड क्राइंग आउट लाउड, मैं बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा था। आई ट्राइड रनिंग, मैं भागने का प्रयास कर रहा था। माई लास्ट मेमोरी वॉज बींग हिट बाई सम थिंग्स एंड देन फॉलिंग इन टू डीप स्लीप, मेरी याददाश्त धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब पिछली बातें ऐसा लग रहा था जैसे मैं भूलता जा रहा हूँ और गहरी निद्रा में मुझे नींद लग रही थी। आई वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग विथ माई हेड बैंडेज, देन आफ्टर मैं सो गया, मुझे पता नहीं है। अगली सुबह मैं जब जागा तो मेरे हेड पर बैंडेज में पट्टियाँ बंधी हुई थी एंड सराउंडेड बाई द थ्री ओल्ड पीपल्स, दो तीन बूढ़े लोग मेरे चारों तरफ बैठे थे मुझे घेर करके। वेयर आई एम, मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। आई सीम टू रिमेम्बर यू, मुझे लगता है कि मुझे मैं कुछ जानता हूँ आपके बारे में। एंड एट आई कॉन्ट रिमेम्बर हु आर यू, अगर मुझे याद नहीं है तो बताओ तुम लोग कौन हो ना। आगे यस लास्ट पैराग्राफ दिस पेज, दे टोल्ड मी देन आई हर्ड ऑफ द हॉन्टेड रेड रूम, तब उसने बताया हमने रेड रूम में हॉन्टेड मीन्स डरावनी आवाज़ सुनी। वी फाउंड यू एट द डाउन, डाउन मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, भोर का समय, भोर में मैंने तुम्हें पाया। सेड ही देयर वॉज ब्लड ऑन योर फोरहेड, तुम्हारे माथे से ब्लड निकल रहा था एंड लिप्स होठों से भी ब्लड निकल रहा था। सून आई रिमेम्बर्ड, तब मुझे याद आया। यू बिलीव नाउ, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा कि अब तुम्हें बिलीव हुआ कि भूत होते हैं। दैट्स द रूम इज हॉन्टेड, अब तुम्हें बिलीव हुआ कि वह रूम हॉन्टेड है, मैंने डरावना है। यस सेड आई, मैंने कहा हाँ, द रूम इज हॉन्टेड, रूम हॉन्टेड है। टेल अस हु द घोस्ट इज, इज इट द अर्ल और द काउंटेस, अब लोग पूछते हैं उससे, ब्रेव पर्सन से। टेल अस, मुझे बताओ कि भूत कौन है। इट इज अर्ल, अर्ल है या फिर काउंटेस, अर्ल का मतलब किंग होता है, किंग राजा है अथवा काउंटेस मीन्स रानी, राजा तो भूत नहीं है अथवा रानी तो भूत नहीं है, मुझे बताओ अब। नो सेड आई, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इट इज़ नॉट, कोई भी नहीं है। देयर इज नाइदर द घोस्ट ऑफ द अर्ल नॉट द घोस्ट ऑफ काउंटेस, ना तो वहाँ पर कोई राजा का भूत है और ना ही रानी का भूत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देर इज नो घोस्ट द एट ऑल बट वर्स फॉर वर्स, वहाँ पर कोई भी भूत नहीं है बट बहुत बुरा है, वहाँ पर जो कुछ भी है बहुत बुरा है बट भूत कोई भी नहीं है। द वर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हॉन्टेड पुअर मोर्टल मैन, और वर्स ऑफ ऑल बुरे लोग कौन हैं, डरावने लोग कौन हैं, हॉन्टेड पुअर मोर्टल मैन, इस मोर्टल मीन्स मरणशील व्यक्ति ही सबसे बड़े भूत हैं, हॉन्टेड हैं। सेड आई, मैंने कहा कोई भूत नहीं है बल्कि हम सब जो डरते हैं, ये जो लोग तुम लोग डर रहे हो, मोर्टल मैन मीन्स मोर्टल मीन्स होता है विनाश, विनष्टकारी, नाशकारी मैन, मानव क्या है, मानव का खात्मा होना निश्चय है तो उसको मोर्टल कहते हैं, अमर जिस जो हो उसको इमोर्टल कहते हैं, जो मरणशील हो उसको मोर्टल कहते हैं। ठीक, मोर्टल की मीनिंग भी लिख लीजिएगा। तो जो हम सब नाशवान व्यक्ति हैं, हम ही लोग डर रहे हैं,
जबकि भूत नहीं है, से डाई एंड दैट इज फियर। हम सब जो डरते हैं, पुअर पर्सन जो डर रहे हैं, वही फियर है। इट इज़ द फियर इटसेल्फ। और हम सब खुद से डर रहे हैं, खुद से मैन डर रहे हैं। दैट इज़ द बियॉन्ड एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के। खुद का डर है ना कि भूत का डर है। एंड अंडरस्टैंडिंग, बिना किसी रीज़न, बिना किसी समझ के जो तुम लोग डरते हो, दैट्स घोस्ट। इट इज़ द फियर दैट हॉन्ट्स इज इमेजिनेशन ऑफ मैन। यह डर जो है मैन की इमेजिनेशन पर आधारित है, कल्पना। आप सब कल्पना करते हैं डर का और समझते हैं कि भूत है, बल्कि भूत कुछ नहीं है, बस खुद की भावनाएं, खुद की इमेजिनेशन, खुद की कल्पनाएं हैं जिससे डर रहे हैं लोग। एंड इंक्रीज द अवेयरनेस टू इवन द सिंपलेस्ट थिंग। और अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, अगर बढ़ जाए तो डर निकल जाए। लोग जागरूक नहीं हैं इसलिए डर रहे हैं, जागरूक हो जाएं तो डर खत्म हो जाएगा। आई स्टॉप अब्रप्टली, मैं इतना कहकर रुका। देयर वाज एन इंटरवल्स ऑफ साइलेंस, कुछ क्षण के लिए वहाँ एकदम शांति छा गई। इट इज़ द फियर दैट फॉलो यू थ्रू द कॉरिडोर शो दैट यू डेयर नॉट टर्न। बोला वो वही डर है, खुद का डर था, जिससे तुम लोग कॉरिडोर में जाते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। कॉरिडोर सो दैट यू डेयर नॉट टर्न, कॉरिडोर में जाते वक्त खुद का डर था जिससे तुम लोग मोड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे। आई फॉट अगेंस्ट मी, मैं अपने खिलाफ लड़ा, मैंने किसी भूत के खिलाफ नहीं लड़ा, मैं खुद से लड़ रहा था, अपने डर से लड़ रहा था। इन रूम, उस रूम में जाने के बाद, देयर इज फियर इन दैट रूम, उस रूम में डर था, प्लेन ब्लैक फियर आई फिनिश्ड, शुद्ध पूरा का पूरा ब्लैक काला डर था, और डर के अलावा कुछ नहीं था। और डर कैसा था, डर अपने अंदर का ही था। अंडरस्टूड स्टूडेंट, आपकी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। इट्स रिटन बाय एच जी वेल्स, एच जी वेल्स ने लिखा है। डियर स्टूडेंट, एयर इज सम कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया, मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओल्ड वर्ल्ड, क्योंकि जब स्टोरी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो तुरंत अगर क्वेश्चन किया जाए तो आपको तुरंत आ जाएगा। अब कुछ दिन बाद अगर आंसर देते हैं तो भूल जाता है, तो अभी हम आपको बता देते हैं। द यंग मैन सीम्ड ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज, मैंने यहाँ पेंसिल से लिख भी दिया है आपके लिए, ही डोंट बिलीव इन घोस्ट। ओके, सेकेंड नंबर, थ्री केयर टेकर्स हैड नेवर विजिटेड द रेड रूम बिकॉज दे फियर्ड, क्यों नहीं प्रवेश करते थे, क्योंकि वो डरे हुए थे। हॉन्टेड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। थर्ड नंबर, द रेड रूम्स ऑफ लॉरेन कैस्टल वॉज इन फेमस बिकॉज ऑफ घोस्ट और हॉरर। फोर्थ नंबर, द यंग मैन टोल्ड हिमसेल्फ टू बी स्टडी बिकॉज ही हॉन्टेड टू। यंग मैन, एक मिनट, फोर नंबर एक बार फिर से, यंग मैन टोल्ड हिमसेल्फ टू बी स्टडी बिकॉज ही हॉन्टेड टू, सही है। फिफ्थ नंबर देखिए, द मैन डिड नॉट रिमेंबर वेयर ही वॉज बिकॉज ऑफ अनकॉन्सियस, जब रूम में गया मैन तो उसको एक क्षण पता ही नहीं चला कि वह कहाँ पर है, क्यों, क्योंकि वह अनकॉन्सियस हो चुका था, मीन्स बेहोश हो गया था। ओके, इसको आप कर लेंगे। आगे देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, क्वेश्चन है। ए वाला करेक्ट है, बी का करेक्ट है, मैं करेक्ट ऑप्शन बता दे रहा हूँ बस। थर्ड नंबर में ए करेक्ट, फोर्थ नंबर सी करेक्ट, फिफ्थ नंबर सी करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं, कुछ अगर बताने लायक है तो मैं बता दूं। यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ। फाइंड अ होमोफोन्स फॉर ईच ऑफ द वर्ड बेलो, देन मेक अ सेंटेंसेस बाय यूजिंग बोथ वर्ड। यहाँ आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसका होमोफोन्स बताना। होमोफोन्स वह होता है प्यारे बच्चों, मीन्स द सेम प्रोनाउंसिएशन वर्ड कैरिंग डिफरेंट मीनिंग, मीन्स
दो वर्ड या दो से अधिक वर्ड ऐसे हो जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, मीन्स पढ़ने में सेम लगे लेकिन मीनिंग अलग हो, उनको होमोफोन्स कहते हैं। कैसे? मैंने यूज किया है यहाँ पर दो एग्जांपल, मेल एम ए आई एल मेल है, एंड अदर एम ए एल ई मेल भी होता है, दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग है। मेल ऐसे बना दीजिए और यूज कर दीजिए। बॉयज़ आर रिफर एज अ एज मेल्स, बॉयज़ आर रिफर एज मेल्स, ठीक है। या फिर कोई भी सेंटेंस बनाइए, आई एम अ मेल, यू आर अ मेल। ब्रेक, इस ब्रेक मीन्स ब्रेक होता है बाइक की ब्रेक, रोकना, एंड ब्रेक मीन्स तोड़ना। तो डोंट ब्रेक द ग्लास सेंटेंस बन गया, डोंट ब्रेक अ ग्लास। उस साइड में भी कई ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, सेल शेल स्टेयर वेयर वेयर स्टील, होमोफोन यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा और सेंटेंस में यूज करना है। सेंटेंस में यूज करके होमवर्क, ये मेरा होमवर्क है जिसको आप कंप्लीट करके यूट्यूब पर कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में नोट करेंगे, ताकि मुझे लगेगा कि आप अच्छे से जान पा रहे हैं, और अपनी कॉपी में फिल कीजिएगा। ओके, और एक बात, एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। करेक्ट वर्ड चूज करना, कंप्लीट सेंटेंस करना। देखिए मैं सब पर टिक मारा हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट रहेगा, फोर्थ आएगा प्रिंसिपल, कार्ड, च्यूड, हेयर, हीयर एंड मीट, आप फिल कर लेंगे। और हाँ, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।